एसपीटी न्यूज पर पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 प्लस खबर। कड़ाके की सर्दी से श्रीगंगानगर जिले में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड के चलते लोगों के रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को ठंड से राहत नए साल में ही मिल पाएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक श्रीगंगानगर में कोल्ड डे की स्थिति रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर जिले में 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को कोल्ड डे रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार चारों दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। अंगीठी के धुएं से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के निकट साधु वाली छावनी के सामने रहने वाले एक परिवार के सदस्यों की हालत बिगड़ गई। ये घटना बीते शुक्रवार रात को हुई, जिसके बाद सभी 9 सदस्य बेहोश हो गए और सुबह इन सभी को राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। यहाँ शनिवार दोपहर तक इनकी हालत स्थिर बनी हुई थी। हरियाणा के समालखा शहर में समालखा फ्लाईओवर कट पर सड़क पार कर रही श्रीगंगानगर की रहने वाली बैंक अधिकारी युवती की हादसे में मौत हो गई। उसे कार ने टक्कर मारी और फिर कार करीब 50 मीटर तक उन्हें घसीटती हुई ले गई। हादसे के बाद चालक कार को लेकर फरार हो गया। ये हादसा गुरुवार शाम को हुआ। आज शनिवार सुबह युवती ने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 5 फरवरी को उनकी शादी होनी थी। दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों में माता गुजर कौर की शहादत को समर्पित 7 दिवसीय समागम सफर ए शहादत के अंतिम दिन जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में वाहे गुरु सिमरन हुआ। उपस्थित संगत ने सुबह 15 मिनट तक वाहे गुरु का सिमरन करते हुए 4 साहिबजादों और माता गुजर कौर की शहादत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पूर्व साध्वी विशंभरा भारती ने भी साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह के परिवार की कुर्बानियों के बारे में अपने विचार रखे। श्रीगंगानगर के एल ब्लॉक में स्थित हनुमान मंदिर में नववर्ष के उपलक्ष्य में रामचरितमानस के 21 पाठ शनिवार को प्रारंभ हो गए। सुबह 9 बजे 21 यजमानों ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद पाठ आरंभ किया। प्रवक्ता जगदीश भाटिया ने बताया कि पाठ की समाप्ति कल रविवार को सुबह 10 बजे होगी। अब राज्य पुलिस में शामिल काली भेड़ों को तलाशने की तैयारी में है। राजस्थान सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को अपराधियों से मिलीभगत रखने वाले पुलिस कर्मियों के बारे में गोपनीय तरीके से पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए आईजी और एसपी फोन और व्हाट्सएप व ईमेल आईडी के जरिए सूचनाएं जुटाएंगे। इस कवायद के तहत दोषी पाए जाने वाले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई के खिलाफ कार्यवाही का अधिकार एसपी को होगा। अब श्रीगंगानगर जिले समेत पूरे राज्य में ऑनलाइन स्टैंप मिलेंगे। राजस्थान सरकार ने इस स्टैंप की सुविधा शुरू कर दी है। स्टॉक होल्डिंग कंपनी ने राज्य सरकार के साथ 5 वर्ष का अनुबंध कर लिया है। सरकार ने 9 सदस्य टीम बनाई है, जो प्रदेश भर में इस स्टैंपिंग के लिए आने वाले परेशानी के लिए इस स्टैंपिंग में आने वाली परेशानी को दूर करेगी। फिलहाल इस स्टैंपिंग वाले वेंडर की आईडी और पासवर्ड को फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में पंचायती राज चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में आज विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों और सहायक प्रभारियों की बैठक ली। उन्होंने चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। प्रकोष्ठ प्रभारियों से कहा गया कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए जिले में पंचायत चुनाव के समय सतर्क रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है, उसको देखते हुए 3 चरणों में चुनाव होंगे। संगरिया में नाजायज संबंधों के चलते बीती रात एक युवक की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। घटना गांव शाहपीनी की बीती रात बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक अमनदीप सिंह बीती रात अपने ही गांव में रहने वाली नाबालिका से मिलने के लिए उसके घर पर गया था। रात करीब 12:30 बजे लड़की के दादा ने कमरे में हलचल होने पर अमनदीप सिंह को वहां देख लिया और इस पर लाठियों से अमनदीप सिंह पर हमला कर दिया। हनुमानगढ़ में फोन पर राजस्थान हरियाणा पुलिस ग्रुप पर समाचार डालने वाले कथित पत्रकार खेत्रपाल उर्फ केपी सोनी को जंक्शन पुलिस आज दोपहर बाद अदालत में पेश करके रिमांड दरियाफ्त किया। आरोप है कि सोनी पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अपने गरुड़ संबंध होने का दावा करके काम करवाने के एवज में मोटी रकम ऐंठ रहा था। पुलिस के अनुसार ताजा मामले में एक बेरोजगार युवक को एसआई की परीक्षा पास करवाने के एवज में 8.5 लाख रुपए ठग लिए थे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने आज पंचायत राज चुनावों को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने इस संबंध में एसडीएम से कहा कि वे मतदान केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण करते रहें, वहां विद्युत की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस से संपर्क रखें। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।